अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिकेट फॉर यू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम PSL 7 के बारे में बात करेंगे कि शाहजहां अफरीदी मुल्तान सुल्तान्स की टीम को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और किस टीम को PSL 7 में ज्वाइन करेंगे। तो नाज़रीन, आपको इस वीडियो की तफसील में बताएंगे सब कुछ। तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। नाज़रीन, अगर PSL के स्केड्यूल के बारे में बात की जाए तो आपको यकीनन पता चल ही गया होगा कि PSL 7 जो है वो जनवरी और फरवरी में करवाया जाएगा। जैसा कि पहले जो PSL हुए हैं वो फरवरी और मार्च में हुए हैं, अब जो है वो जनवरी और फरवरी में PSL करवाया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है जो कि मार्च में होनी है, तो इसलिए ये जो PSL 7 है जनवरी और फरवरी में करवाया जाएगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि शाहजहां अफरीदी मुल्तान सुल्तान की टीम को क्यों छोड़ रहे हैं और किस टीम को PSL 7 में ज्वाइन करेंगे। तो नाज़रीन, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाहजहां अफरीदी मुल्तान सुल्तान की टीम को छोड़ रहे हैं, PSL 7 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम को ज्वाइन करेंगे। अभी तक शाहजहां अफरीदी ने कोई भी ऐलान नहीं किया, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर खबरें ही चल रही हैं और वजह भी नहीं बताई कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम को मैं क्यों छोड़ रहा हूं और किस टीम में जाऊंगा। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, कुछ यूट्यूबर्स कुछ सोशल मीडिया के सार्फिन कह रहे हैं कि ये सच्ची खबर है कि PSL 7 में शाहजहां अफरीदी क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम की तरफ से खेलेंगे। तो नाज़रीन, देखते हैं कि आगे शाहजहां अफरीदी क्या ऐलान करते हैं, मुल्तान सुल्तान्स की टीम की तरफ से ही खेलेंगे PSL 7 में या क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम की तरफ से खेलेंगे। तो नाज़रीन, ये थी कुछ मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।